सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही साधारण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये इतना भी साधारण नहीं है। ये आज के दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ होता है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका हम सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा ही अभिशाप है जो विज्ञान की गर्भ से जन्मा है और आज जिसे सहने के लिए विश्व की अधिकांश जनता मजबूर है। तो आइए आज हम इस वीडियो में प्रदूषण के अलग अलग प्रकारों को संक्षेप में जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए, तो उसकी उपयोगिता कम हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो जल में विभिन्न प्रकार के रसायनों के मिल जाने के कारण वो उपयोग के कारण नहीं रह जाता और जहरीला हो जाता है, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं: मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव के शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती है। इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पति प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहां तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करना चाहिए। अपमार्जनों का कम से कम उपयोग होना चाहिए, केवल साबुन का उपयोग ठीक होता है। कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील तथा तालाबों में नहीं डालना चाहिए। घरेलू अपमार्जकों को आबादी वाले भागों से दूर जलाशय में डालना चाहिए। जिन तालाबों का जल पीने के काम आता है, उसमें कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना इत्यादि नहीं करना चाहिए। बिजली तथा ताप गृहों से निकले हुए पानी को स्प्रे पॉन्ड या अन्य स्थानों से ठंडा करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक, मतलब 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तथा शेष 0.97% में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन तथा जल वाष्प होती है। वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा से उसे संतुलित बनाए रखती है। इसमें जरा सा भी अंतर आने पर यह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। आइए वायु प्रदूषण के कारणों को देखें। वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण, औद्योगिक इकाई से निकलने वाले धुएं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाले गैस तथा धूल के कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव: हवा में अवांछित गैस की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे अस्थमा, सर्दी, खांसी, अंधापन इत्यादि बीमारियां होने लगती हैं।
वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छा जाता है, इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है और आँखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई आदि बीमारियाँ होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, अनुवांशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ जाते हैं क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसे जहरीले गैसों के घुलने की संभावना बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाना चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण लगाना चाहिए। कारखानों की चिमनियों को और अधिक ऊंचे रखना चाहिए और इन चिमनियों में फिल्टरों का इस्तेमाल होना चाहिए। मोटर कार और वाहनों की ट्यूनिंग करवाना चाहिए ताकि अधजला धुआं बाहर ना निकले। उद्योगों की स्थापना शहरों व गांवों से दूर होनी चाहिए। ये प्रदूषण के कुछ मुख्य उदाहरण थे और अन्य प्रदूषण को हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।